ये बहुत अच्छी बात है, रोटियां भी बन गई, अब हम जल्दी से खाना खा के दवाई भी खा लेंगे। एक्चुअली हमारा गला भी खराब है ना थोड़ा। हाँ कृष्णा जी, आपका गला तो सच में बहुत ज्यादा खराब हो गया है। हाँ। कृष्णा जी आप परेशान काहे हो रहे, हम है ना, वैसे भी कई बार आपने भी हमें अपने हाथों से खिलाया, आज हमने बारी। बिंदिया दिखाएगी क्रिश के लिए फिक्र, पायल को होगी जलन। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बिंदिया है वो अचानक से आती है क्रिश के पास, और वो देखती है कि क्रिश जहां पर अखबार में इश्तिहार देख रहा है तो वहीं पर दूसरी ओर स्टॉप में आग लग रही है। ये क्या है? खाना है, खा लीजिए, बक्से में रखने के लिए थोड़ी लाए हैं। क्रिश भैया ने तो कब का खा लिया, आपको ही नसीब नहीं हुआ अभी तक। हमको दया आ गई तो ले आया आपके लिए, आपको नहीं खाना, चलो हम ले जाते हैं, कोई बात नहीं। अब रुक रुको। अब यहाँ पर अचानक से बिंदिया आती है, पानी लेती है और कृष्णा जी का हाथ उसमें डाल देती है और कहती है यहाँ से हिलिएगा मत, बस मैं अभी आती हूँ मरहम लेकर। अब वहां पर क्रिश आ जाता है तो सुहागन यानी कि बिंदिया कहने लगती है कि आप क्यों यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर क्रिश बोलता है कि चुप हो जाओ, और बिंदिया का मुंह भी चुप कर देता है अपने हाथ से। अब यहाँ पर अचानक से पायल ये सब देख लेती है, पायल को ये सब देख कर गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड में अब आप एक बड़ा ट्विस्ट देखने वाले हैं, जहां पर आप देखेंगे कि पायल की पाई पाई जो है वो पायल को चुकानी होगी, क्योंकि उसने पाई पाई ही उधार ली थी किसी से, और ऐसे में वो आ गई है पायल से अपने पैसे मांगने के लिए, पायल के बाल भी उन्होंने काट दिए हैं। अब ऐसे में पायल किस तरीके से उन पैसों को चुकाएगी, किस तरीके से क्या करेगी, ये तो आने वाले एपिसोड में पता लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है आपको याद होगा बिंदिया ने भी क्रिश को 5 लाख रुपए दिए थे अमानत के तौर पर। अब ऐसे में देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।